नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, चिंतन बाल मनोविज्ञान का एक चैप्टर है जिसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसमें देखिए दो टॉपिक हैं, पहला है बच्चे कैसे सोचते हैं और दूसरा है कि स्कूल में असफल क्यों होते हैं बच्चे। ठीक है, अब देखिए अपने दिमाग में याद रखिएगा, चिंतन मतलब होता है सोचना, चिंतन जो होता है ठीक है सोकर नहीं किया जा सकता है, चिंतन होशो हवास में ही किया जा सकता है। चिंतन कैसे किया जा सकता है, होशो हवास में ही चिंतन आप करेंगे, सोकर चिंतन उंतन नहीं करेंगे। देखिए चिंतन क्या होता है, रास के अनुसार चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये चीज़ें आपको याद रखना है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो हमेशा चेतन मन में होती है। चेतन मन का मतलब होता है कि आपका दिमाग जो होना चाहिए एकदम होशो हवास में होना चाहिए, एकदम दिमाग फ्रेश होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिंतन होता है अचेतन मन में, चेतन मन में, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों, तो आप क्या बताएंगे? चिंतन यानी सोचना जो होता है हमेशा और हमेशा ये चेतन मन में होता है और यह एक मानसिक प्रक्रिया है। यहीं से आपके दो क्वेश्चन बन गए। और रास ने इसको कहा है कि यह एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो चेतन मन में होती है। अब देखिए चिंतन की विशेषताएं, क्वालिटी मतलब स्पेसिफिकेशन भी कुछ होंगे। तो पहला स्पेसिफिकेशन है, चिंतन जो होगा प्रत्यक्षीकरण पर होता है। अगर आपके सामने कुछ है ठीक है, जैसे मान लीजिए मोबाइल आप कभी देखे हैं, तो मोबाइल आप कभी देखे हैं तो चिंतन आप उस पर कर सकते हैं। और अगर जो चीज़ आपने कभी प्रत्यक्षीकरण यानी देखा ही नहीं है उस पर चिंतन कैसे करेंगे, उस पर चिंतन आप नहीं कर सकते। अर्थात चिंतन प्रत्यक्षीकरण पर ही होता है। चिंतन जो होता है समस्या समाधान की तरफ जाता है। जैसे मान लीजिए पंखा अगर चल रहा है तो आप क्या चिंतन करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन अगर बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो आपको वहाँ पे समस्या आ जाएगी। तो समस्या जब आ जाएगी तो आप चिंतन करेंगे कि मैं इस पंखे को अब कैसे सही करूं। वही सोचना या सही करने की जो दिमाग में बात आई है उसी को चिंतन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर पंखा आपका ख़राब हो जाएगा तो समस्या समाधान करने की तरफ जाएंगे कि नहीं, सोचेंगे कि नहीं, वही है चिंतन, समस्या समाधान की तरफ जाता है। उसके बाद तीसरा है, चिंतन हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है। चिंतन हमेशा जैसे समस्या समाधान के लिए होता है तो हमने बता ही दिया, पंखा अगर बिगड़ गया तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, उसको बनाना। अगर हम मान लीजिए परीक्षा दे रहे हैं तो हमको नौकरी पाने के लिए चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन के उद्देश्य क्या है, नौकरी पाना। अगर आप नौकरी पा जाते हैं तो आपकी उद्देश्य क्या हो जाती है, पूरा हो जाती है। चिंतन हमेशा उद्देश्य होता है ठीक है। उसके बाद देखिए चिंतन हमेशा चिन्हों पर आधारित होता है ठीक है। चिंतन हमेशा चिन्हों पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए मोबाइल के बारे में सोच रहा हूँ, डस्टर अचानक ठीक है, एक मिनट, चिंतन हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है, इसको हमने आपको समझा ही दिया। चिंतन हमेशा चिन्हों पर आधारित होता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं और आपको कोई लालटेन दिखाए तो क्या आप रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। क्यों नहीं रुकेंगे, क्योंकि लालटेन जो है वो जान रहा है आदमी कि लालटेन जो दिखाया जाता है वो ट्रेन के सामने दिखाया जाता है। तो चिन्हों पे आधारित होता है चिंतन। अगर आप चिन्ह दिखाएंगे लालटेन और कहाँ पे दिखाएंगे, लाल लालटेन मान लीजिए ट्रेन के सामने दिखा रहे हैं, तो ट्रेन का ड्राइवर जो है चिंतन करेगा, सोचेगा कि यार कोई ख़तरा है, रोक देना चाहिए। लेकिन आप रोड पे लेकर लालटेन दिखाइए, चाहे लाल रहे चाहे हरा रहे, कोई रोकेगा, कोई चिंतन नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, चिंतन हमेशा चिन्हों पे आधारित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, चिंतन कल्पना से अलग है। चिंतन जो है कल्पना से अलग है। कल्पना जो होती है उसमें हम लोग क्या आसमान में उड़ रहे हैं, मतलब कल्पना करना ये चीज़ है कि आसमान में उड़ रहे हैं, पानी में दौड़ रहे हैं, जो चाहो वो सोचो, आज मैं पीएम बना हूँ, आज मैं पुलिस बना हूँ, मतलब जो भी सपना में देखिए, चाहे जो है जो एज्यूमिंग किया जाता है वो कल्पना है। लेकिन चिंतन जो है
अभी हमने बताया कि चिंतन जो है प्रत्यक्षीकरण है, आप अब तक अपने सामने चिंतन देखेंगे तभी समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब ये चीज़ सोचेंगे कि मैं तुम्हारे लिए आसमान से ताड़े तोड़ लाऊंगा, तो ये तो चिंतन वाली बात हुई नहीं, ये तो कल्पना हो गई। तो कल्पना और चिंतन दो, चिंतन में डायरेक्ट आपके सामने समस्या दिखाई देगी, पंखा ख़राब हुआ तुरंत समस्या आपको दिखाई दी कि हमको इसको सही करना है, मतलब प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, चिंतन का प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, प्रत्यक्षीकरण होना चाहिए, समस्या का समाधान होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए और चिन्हों पर आधारित होना चाहिए। ये नहीं कि आसमान पर उड़ रहे हैं, कल्पना से अलग होता है चिंतन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है, क्या चिंतन और कल्पना दोनों एक है? तो नहीं, मानसिक प्रक्रिया भले दोनों हैं लेकिन कल्पना अलग है और चिंतन अलग है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है चिंतन के तत्व। चिंतन के 5 तत्व होते हैं। पहला है प्रत्यक्षीकरण, कोई भी चीज़ जो है आपको अपने सामने दिखाई जब तक नहीं देगी तब तक उसके बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते हैं। तो पहला यही चीज़ है कि कोई भी चीज़ जब तक आपके सामने प्रत्यक्षीकरण रूप से दिखाई नहीं देगी तब तक आप चिंतन नहीं कर सकते। दूसरा चीज़ है कि वही वस्तु, कोई भी चीज़ जब तक कोई भी वस्तु आपके सामने रहेगी तभी आप क्या नाम है चिंतन करेंगे, ठीक है? नहीं तो कोई आपको आम कह के और तरबूज थमा दे तो क्या आप मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो इसलिए वस्तु आपके सामने रहनी चाहिए। और चिन्ह वाली बात भी वही हो गई, कोई आपको आम कह के क्या थमा दे, तरबूज समा दे, तो आप क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। जिस ट्रैफिक के बारे में सोच रहे हैं, टॉपिक के बारे में सोच रहे हैं, वो भी समझ लीजिए वही प्रत्यक्षीकरण, वस्तु चिन्ह और विचार या मुद्दा या टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपका क्या है चिंतन, मतलब विचार ही तो करना है ना भाई, सोचना चिंतन करना विचार करना सब एक ही तो बात है। और उसकी कोई ना कोई भाषा होनी चाहिए, जैसे 1+2+3+4 चारों को जब जोड़ते हैं तो कोई शब्द बोलते हैं ना, तो भाषा भी होनी चाहिए चिंतन की, ठीक है? तो प्रत्यक्षीकरण, वस्तु चिन्ह, विचार और भाषा, ये चिंतन के 5 तत्व होते हैं। अब देखिए चिंतन के प्रकार, चिंतन के प्रकार में हम लोग सबसे पहला देखेंगे मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन का मतलब है कि समस्या आँखों के सामने हो, ठीक है? जो आपके सामने चिंतन हो, जैसे मान लीजिए लूडो खेलना, सुडोको खेलना या चेस खेलना, आप चेस खेल रहे हैं तो उसमें आप चिंतन करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम करेंगे, एकदम आँखों के सामने आपका होगा, तो उसे क्या कहेंगे? मूर्त चिंतन कहेंगे। अमूर्त चिंतन जो आप पहले कोई चीज़ देख चुके हैं और उसके बारे में, जैसे मान लीजिए वस्तु है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है आँखों के सामने, जैसे टेट के एग्ज़ाम देकर आए हैं और कर ना पाएँ तो घर आकर अमूर्त चिंतन करेंगे। जैसे टेट का क्वेश्चन आपने किया वहाँ पर जाके, उसके बाद घर आए तो आपको पता चला कि यार का उच्चारण स्थान क्या था, कंठ था, तो अमूर्त चिंतन कर रहे हैं, वस्तु कहीं और है और सोच कहीं और रहे हैं। तो अभी वस्तु आँखों के सामने नहीं है लेकिन पहले ज़रूर थी, उदाहरण मैं चौथा प्रश्न क्यों नहीं हल कर पाया, तो वो तो भाई वहाँ है प्रश्न लेकिन आप सोच रहे हैं घर पे, तो ये अमूर्त चिंतन है। उसके बाद आपका आएगा अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन मतलब आपको अभिसारी एक बिंदु पे जाके मिल जाएंगी, तो अभिसारी चिंतन को ही इन द बॉक्स कहते हैं, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। इन द बॉक्स किसे कहते हैं? अभिसारी चिंतन को। तो दो नाम आप अभिसारी चिंतन और इन द बॉक्स चिंतन जान गए हैं। तो अभिसारी चिंतन, इन द बॉक्स चिंतन, दो नाम जान गए हैं। और कोई भी चीज़ है मान लीजिए कई जगह से, कई बिंदु से जब एक सोलूशन मिलता है, जब एक सोलूशन मिलता है तो कहीं पर जाके जुड़ जाना ही संश्लेषण कहलाता है। संश्लेषण क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण क्या कहलाता है? कि जाके एक जगह जुड़ जाना ही संश्लेषण कहलाता है, इसलिए इसे संश्लेषणात्मक चिंतन भी कहते हैं। और एक परंपरा होती है कि कई बिंदुओं से आदमी जो है एक ही बिंदुओं पे जाके मिलना चाहता है, तो परंपरागत चिंतन भी हो गया, और परंपरागत को ही रूढ़िवादी भी कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि अभिसारी को इन द बॉक्स कहते हैं, चूँकि एक ही जगह जाके सब जुड़ जा रहे हैं तो संश्लेषणात्मक भी कहेंगे,
और परंपरा यही चीज़ है, तो इसे परंपरा या रूढ़िवादी भी कहते हैं। तो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि अभिसारी चिंतन है, आपको ऑप्शन में दे सकता है इन द बॉक्स, आउट द बॉक्स, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आप इन द बॉक्स मारेंगे। आपको दे सकता है कि अभिसारी चिंतन है, संश्लेषणात्मक चिंतन, इन द बॉक्स चिंतन और रूढ़िवादी चिंतन, इनमें से सभी, तो आप क्या मारेंगे, इनमें से सभी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखिए उदाहरण है बहुविकल्पी प्रश्न। आपके सामने चिंतन करने के लिए चार विकल्प दिया रहता है, लेकिन आप जाएंगे कितने विकल्प पे, केवल और केवल एक विकल्प पे ही आप जाएंगे, एक ही विकल्प को टिक करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। अब जैसे मान लीजिए कि शुरुआत कई बिंदुओं से करें और एक बिंदु पे जाके रुक जाएं, तो इन द बॉक्स हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब जैसे मान लीजिए नदी ए, नदी बी, नदी सी निकल रही है अलग अलग जगह से, लेकिन सभी गिर कहाँ रहे हैं, समुद्र में, एक ही जगह, तो अभिसारी हो गया। ईश्वर, अल्लाह और गाड तीनों एक हैं, भगवान अगर कह दिया जाए तो तीनों के तीनों भगवान हैं, तो एक बिंदु पे आके मिल जा रहे हैं, तो अभिसारी हो गया या इन द बॉक्स हो गया या संश्लेषणात्मक हो गया या रूढ़िवादी परंपरागत वादी हो गया। ऑप्शन चार, अब ये देखिए बहुविकल्पी प्रश्न को हमने बता ही दिया, उसके बाद देखिए लगातार जुड़ता रहना ही संश्लेषणात्मक है। उसके बाद देखिए अपसारी, अपसारी उसका उल्टा है। अब उसमें अभिसारी था, सिकुड़ रहा था, तो अपसारी में एक ही बिंदु से अलग अलग ठीक जाएगा। उसके बाद देखिए वहाँ पे संश्लेषणात्मक था, तो यहाँ पे विश्लेषणात्मक रहेगा। वहाँ पे इन द बॉक्स था, तो यहाँ पे आउट द बॉक्स था। वहाँ पे वैज्ञानिक या रूढ़िवादी था, तो रूढ़िवादी का उल्टा होता है वैज्ञानिक चिंतन। रूढ़िवादी का उल्टा क्या होता है, वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचना, जैसे मान लीजिए एक थिंक है, इसको अलग अलग तरीके से सोच रहा है एक आदमी, तो ये क्या होगा, अपसारी या विश्लेषणात्मक या आउट द बॉक्स होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैच हुआ, एक क्रिकेट मैच हुआ, तो इसमें मैच तो एक हुआ, लेकिन ये सोच रहा है कि क्षेत्र रक्षण खराब है, बॉलिंग खराब है, विकेट कीपिंग खराब है, बैटिंग खराब है और क्या नाम है अंपायर खराब है। मतलब मैच एक हुआ है, इसके बारे में सोच कितने तरीके से रहा, अलग अलग तरीके से, बहुत अलग अलग तरीके से सोच रहा है, तो इसे अपसारी कहते हैं। जैसे निबंधात्मक प्रश्न, मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए कि गाय पे निबंध लिखिए, तो कोई कुछ लिखेगा गाय हमारी माता है, कोई कुछ लिखेगा गाय दूध देती है, कोई कुछ लिखेगा गाय को मारना नहीं चाहिए, तो सबका निबंध जो होगा अलग अलग तरीके से होगा, तो इसे अपसारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके यहाँ मेयर बन जाए, तो ट्रैफिक के बारे में भी सोचेगा, पेयजल के भी बारे में सोचेगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी सोचेगा। मान लीजिए कोई ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर एक है, वहाँ से नदियाँ कितनी निकलती हैं, अनेक नदियाँ निकलती हैं, तो ये भी उसका ही उदाहरण है। तो एक यहाँ से, अब यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स में से क्या हो जा रही हैं, निकल जा रही हैं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों, आपका चिंतन चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।